तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पार्थ गेमिंग YT। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आज आपको फौजी से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा कि ये कैसा गेम है, इसका साइज कितना होगा और ये कब ये हमको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस पहले मैं आपको फौजी का ट्रेलर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एक मिनट मैं फौजी का आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ। सॉरी, ओके। तो गाइस जैसा कि आपने देख ही लिया, एक मिनट, जैसा कि आपने देख लिया कि ये इनकोर गेम का बिल्कुल ऑफिशियली साइड है। तो गाइस इन्होंने इसको, इस पोस्ट को 7:30 या 7:10 के बीच इसको अपलोड किया था दशहरा के दिन, हैप्पी दशहरा विश करके। तो गाइस ये गेम मैं बोलूँ, ये लॉन्चिंग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, लॉन्चिंग इन नवंबर 2020। तो गाइस ये गेम लॉन्च होने वाला था अक्टूबर पे, पर कुछ कारण से इसको नवंबर पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हमारे विशाल सर ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि जो प्ले स्टोर पे जितने भी फर्जी मतलब बिल्कुल फर्जी फौजी जो ऐप्स ऐसे बन गए हैं उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाएगा, ये हमारे विशाल सर ने पोस्ट किया है, देख सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम का साइज कैसा होगा। तो गाइस ये एक मल्टीप्लेयर गेम है पबजी की तरह। तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ कि ये गेम पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट गेम होने वाला है, ठीक है? तो आपने इसका ट्रेलर तो देख ही लिया है, अब मैं इसको बता दूं कि इसका साइज कितना हो सकता है। तो इसका साइज हो सकता है 800-900 MB का हो सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मैप इंप्रूव, ग्राफिक्स होंगे। तो अब बात आती है कि भाई ये डायरेक्ट ग्लोबल पे लॉन्च होगा या इसका भी कोई बीटा वर्जन आएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक, मैंने पहले भी अभी आपको बोल चुका हूँ कि ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। तो गाइस जितने भी मल्टीप्लेयर गेम होते हैं उनके बीटा वर्जन पहले टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, फिर उसका चेक किया जाता है कि उसको पब्लिक की तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसको बीटा में पहले लॉन्च किया जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। इसमें बोला गया है कि लॉन्चिंग इन नवंबर 2020, बट ये नहीं बोला गया है कि ये गेम मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक पे आएगा, सेकंड वीक पे आएगा या थर्ड वीक पे। तो गाइस मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, हैप्पी दशहरा विश करके इन्होंने इसका ट्रेलर लॉन्च किया है, तो मेरे हिसाब से ये दिवाली तक इसका मतलब डाल सकते हैं, बीटा वर्जन दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि दीपावली भाई बहुत मतलब अच्छा है, मतलब त्यौहार है, तो उससे इन्होंने
दशहरा में ही इसका ट्रेलर दिया है, तो इसका मतलब ये यही मान सकते हैं कि इसका बीटा वर्जन या ग्लोबल जो भी वर्जन आएगा वो आ सकता है 14 नवंबर को, यानी कि दीपावली के दिन। मतलब मैं एकदम फिक्स नहीं हूँ, या आगे पीछे भी हो सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते। और जैसे ही आप अगर अभी आप प्ले स्टोर पर जाके चेक करते हो ना, तो आपको भर भर के ये देखो, हमारे विशाल सर ने पोस्ट किया है कि ये जितने भी ये फेक फौजी है इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई अब हमारा बिल्कुल मल्टी प्लेयर गेम बन के आएगा, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये गेम, आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। और गाइस जैसे ही इसका बीटा वर्जन या ग्लोबल कुछ भी वर्जन आता है भाई, मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपने ट्रेलर पहले से ही देख लिया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रदर, बाय बाय।